प्रगतिशील युग में जल की बढ़ती खपत बहुत बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे देश की जल समस्याएं विविध एवं जटिल हैं, क्योंकि भारतवर्ष में जल की उपलब्धता क्षेत्रीय वर्षा एवं भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित है। इसके साथ बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण का बढ़ता क्षेत्र, कृषि के विस्तार और भूजल पर सिंचाई की निर्भरता इत्यादि अपना प्रभाव जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता पर डाल रहे हैं। इस कारण भूजल स्तर कई क्षेत्रों में तेजी से गिरता जा रहा है। मानसून वर्षा का अधिकतम जल छोटी छोटी जलधाराओं से होते हुए बड़ी बड़ी नदियों में मिल जाता है। यदि छोटी जलधाराओं में बहते हुए वर्षा जल को जगह जगह रोक दिया जाए तो ठहरा हुआ जल स्वतः ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, आसपास के भूमि की नमी को बढ़ाता है और पशुओं के पीने के काम भी आता है। ऐसा करने से भूजल स्तर की गिरावट पर रोक लगाना संभव है। इस प्रकार से छोटी जलधाराओं में जल को रोकने की संरचना का निर्माण करने की आवश्यकता होती है, जिसे चेक डैम कहते हैं। चेक डैम का निर्माण करने से पूर्व आवश्यक है कि क्षेत्र की भूजलीय स्थिति, जिसमें जलभृत का प्रकार व विस्तार, मृदा आवरण, भू आकृति, जलस्तर की गहराई व भूमि जल की रासायनिक गुणवत्ता आदि का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। रन ऑफ में योगदान करने वाले क्षेत्र का आकलन आवश्यक है, जैसे भूमि उपयोग की पद्धति, औद्योगिक हरित पट्टी का क्षेत्रफल इत्यादि। इन महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर चेक डैम के माध्यम से जल संचयन किया जा सकता है। चेक डैम का निर्माण अति सामान्य ढलान व छोटी जलधाराओं पर किया जाता है। चेक डैम जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संरचना है। चेक डैम का मुख्य उपयोग वर्षा के जल का जलधारा के मार्ग में कई स्तरों पर संग्रहण करना होता है। संग्रहित जल का प्रयोग पीने के पानी, मवेशियों एवं घरेलू उपयोग के लिए, खरीफ और रबी फसल की सिंचाई के लिए और भूजल के रिचार्ज के लिए भी प्रयोग होता है। चेक डैम बनाने के लिए ऐसा स्थान चुना जाता है जहां नदी नाले के किनारे ऊंचे और पक्के हों तथा नदी नाले की चौड़ाई कम हो। यदि चेक डैम के स्थान से ऊपर की ओर नदी नाले की चौड़ाई बढ़ रही हो तो उसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि जल का संग्रह बगैर आसपास के क्षेत्र के डूब में आए हो जाता है। चेक डैम के स्थान से ऊपर की ओर ड्रेनेज लाइन की ढलान बेड स्लोप 1% या इससे कम होनी चाहिए, ताकि अधिकतम जल संग्रहण किया जा सके। चेक डैम के लिए चुने गए स्थान की 10 सेंटीमीटर तक सफाई करने के बाद चेक डैम की नींव को मजबूत भूपरत या चट्टान तक खोदा जाता है। यदि 1.5 मीटर की गहराई तक मजबूत भूपरत या चट्टान नहीं मिलती है तो नींव को स्टील के सरियों से प्रबलित किया जाता है। चेक डैम की हेड वॉल या बॉडी वॉल को दोनों ओर के किनारों में की वॉल और विंग वॉल के सहारे एक साथ बनाया जाता है, जिससे डैम की स्थिरता सुनिश्चित हो तथा अधिक प्रवाह की स्थिति में चेक डैम की हेड वॉल या बॉडी वॉल के ऊपर से बहकर निकलने वाले जल के किनारों का क्षरण न हो। चेक डैम की हेड वॉल या बॉडी वॉल के नीचे की ओर लूज बोल्डर से एप्रन बनाया जाता है, जिससे अधिक प्रवाह की स्थिति में चेक डैम की हेड वॉल या बॉडी वॉल के ऊपर से बहकर नीचे गिरने वाले जल से नदी नाले की पेंदी या बेड में क्षरण न हो। एप्रन से सटाकर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 50 सेंटीमीटर ऊंची बेफल वॉल बनाई जाती है, जिससे निर्मित जल के कुशन के कारण गिरते हुए जल से एप्रन को नुकसान नहीं पहुंचता है। चेक डैम की दीवार की मोटाई न्यूनतम 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। निम्नलिखित तालिका में दिए गए मापदंड के अनुसार चेक डैम का निर्माण किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने निकट से संपर्क करें। जिस क्षेत्र का ढलान 3 डिग्री से 7 डिग्री तक होता है, वहां छोटी जलधाराओं के बहाव को संरक्षित करने के लिए गैबियन संरचना का निर्माण किया जाता है। यह भी एक प्रकार का चेक डैम होता है। जलधारा पर चेक डैम या छोटे बांध का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध शिलाखंडों को लोहे के तारों की जालियों में डालकर तथा उसे जलधारा के किनारों पर बांधकर किया जाता है।
इस तरह एक छोटे से प्रयास से पहाड़ी एवं ढलान वाले क्षेत्रों में चेक डैम का निर्माण कर भूजल पुनर्भरण के साथ ही जल की उपलब्धता को भी बढ़ा सकते हैं। चेक डैम में एकत्रित जल का उपयोग हम सिंचाई हेतु भी कर सकते हैं। आओ मिलकर जल की प्रत्येक बूंद का संचयन कर देश को जल संपन्न बनाए और देश के विकास में अपना योगदान दें, क्योंकि जल है तो कल है। पेश कर रहा है जल संरक्षण। कैचमेंट 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तालाब की पैंदी और किनारों में तथा तालाब में पानी ले जाने वाला नाला व सिल्ट ट्रैप जैसी संरचनाओं के आसपास स्टोन रिवेटमेंट किया जाता है, जिससे मिट्टी के कटाव, रिसाव और गाद को तालाब में जाने से रोकने में मदद मिलती है। कैसे करें तालाब के स्थान के चयन हेतु मिट्टी की पहचान? तालाब निर्माण के लिए मिट्टी की जाँच 2 विधि द्वारा की जा सकती है। मिट्टी की जांच प्रयोगशाला में भी कराई जा सकती है। मिट्टी की जांच का आसान तरीका, 1. जहां तालाब बनाना है उस स्थान की मिट्टी को पानी में गीला कर 2.5 इंच व्यास का गोला बनाएं एवं उसे 3 से 4 फीट तक हवा में उछालें। यदि गोला टूट जाए तो वह जगह तालाब बनाने के लायक नहीं है। यदि गोला नहीं टूटे हम वहां तालाब बना सकते हैं। 2. मिट्टी का गोला 2.5 इंच व्यास बनाकर उसे बेलनाकार घुमाकर 5 से 6 इंच तक लंबा करें। यदि यह नहीं टूटे तो इस जगह पर तालाब बना सकते हैं। भूजल स्तर भी तेजी से बढ़ता है। तालाब को सतत बनाने के लिए
इसकी व्यवसायिक उपयोगिता का प्रबंधन अति आवश्यक है। तालाब जल का उपयोग, एक मत्स्य पालन, दो सिंचाई, तीन कमलज सिंघाड़ा आदि की खेती। देश के जल संचयन के इतिहास में तालाबों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तालाब बाढ़ सूखा जैसी समस्याओं से लड़ने में तो सहायक हैं ही, साथ ही सिंचाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्षा की बूंद बूंद को एकत्रित करने के लिए तालाबों का निर्माण करें तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर अपने गांव को जल संपन्न बनाएं।